जो हमने टोटल चेंज डलवाई थी वो डलवाई थी हमने 580 रुपीज़ की, एंड 580 रुपीज़ को अगर मैं ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ की चेंज थी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ड्राइव डीड। हमारी कार की थर्ड सर्विस हो चुकी है, एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं थर्ड सर्विस के बाद आपको गाड़ी के जितने भी एवरेज टेस्ट है वो दोबारा करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी थर्ड सर्विस जो थी वो मेजर सर्विस थी, क्योंकि मेजर सर्विस में हमारा इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ईच एंड एवरीथिंग चेंज हुई है। नाउ अभी हम लोग हैं मोहाली में। आज जो इसकी होने वाली है टेस्ट, वो होने वाला है हमारा हाईवे एवरेज टेस्ट, और हम जा रहे हैं मोहाली से दिल्ली। तो इसमें जो एवरेज टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा हाईवे टू हाईवे। तो मैं हाईवे पे ही जाके सीएनजी फिल कराऊंगा, एंड हाईवे टू हाईवे कितनी एक सिलेंडर में पूरा चलता है, बेसिकली दो सिलेंडर में कितनी चलती है गाड़ी एक बार फुल कराने पे, वो इस बार चेक करेंगे। और जैसे हमारा लास्ट वीडियो पे आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिखाया था जो कि 2 लाख पार हो चुकी है, वैसे ही टेस्ट हम दोबारा से करने वाले हैं। एंड आई होप कि इस बार भी खरी उतरे, उतनी एवरेज दे, 200-220 प्लस आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स ऑल चेक। हाँ, और एसी ऑन रहेगा। और एक चीज़ याद बता दूँ कि आप लोग बोल रहे थे कि आपकी खाली गाड़ी होती है तो एवरेज आ देती है, गाड़ी इस बारे में पूरी लोड करके लेके जाऊंगा मैं, आपको भी सामान दिखा देता हूँ क्या क्या गाड़ी के अंदर है सामान। कार जो ऐसे में पूरी की पूरी लोडेड हुई पड़ी, आप देख सकते हो सारा सामान। अभी पूरा सामान आता नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने सीट फोल्ड कर दी गाड़ी की, और ये पूरा पूरा सामान आ गया मेरा। यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, सीट आपकी पूरी फोल्ड हुई हुई है यहाँ तक, और सारा का सारा सामान आ गया। अब यहाँ से CNG डलवाएंगे, देन उसके बाद चेक करते हैं पॉइंट टू पॉइंट की कितने पॉइंट्स तक कितनी गाड़ी चलती है। सो एज़ यू कैन सी, हमारी कार जो है 17,544 किलोमीटर चल चुकी है, और हमारी गाड़ी की जो थर्ड सर्विस है वो हुई थी 15,000 किलोमीटर पे, और CNG पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे साइन देख सकते हो, CNG वाला हमारा बटन है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो स्विच भी नहीं हो रहा, ग्रीन लाइट नहीं जल रही है, और ये अभी पेट्रोल पे चल रही है। तो पूरा पूरा हाईवे टू हाईवे होगा। वेल 85 रुपीज़ CNG है, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर पूरी CNG आ पाएगी, बिकॉज इनका प्रेशर थोड़ा सा कम है। वेल ड्यू टू लो प्रेशर इनकी सिर्फ 6 किलो गैस आई, 6.5 किलो पूरी नहीं हो पाई इतने की, तो मैंने दोबारा चालू करवाई है एक बारी कि थोड़ा और प्रेशर आ जाए। लेट्स सी, दोबारा बनाने से बस 40 रुपये की गैस आई, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेट्स सी अब कितनी चलती है। सो CNG होगी हमारी फुल 17,553, एंड अब इसको एक बारी ट्रिपे को हम ज़ीरो कर लेते हैं, हमारे ट्रिपे हो गई यहाँ पे ज़ीरो, एंड यहाँ पे पूरे के पूरे 5 बार जो हमारे फिल हो गए हैं, एंड अब इसको गाड़ी को हम CNG मोड पे डाल देते हैं। ये रहा हमारा CNG मोड, CNG मोड यहाँ से एक्टिवेट हो गया, CNG का साइन आ गया। अब चेक करते हैं एक्चुअल हाईवे पे कितनी एवरेज देने वाली है गाड़ी। और जो हमारा AC है, AC हमारा 2 पॉइंट तक ऑन रहेगा, AC भी ऑन कर दिया, और साथ में ब्लोअर का वन, और ये जो है अंदर वाली हवा का मैंने किया हुआ सिस्टम, और यहाँ पे से मुंह पे हवा आएगी। दैट्स इट, हाईवे टू हाईवे माइलेज चेक होगी टाटा पंच CNG। एनीवेज इसमें ज़्यादा गैस आई नहीं है, 6.34 पहले आई थी, और 400 ग्राम को समथिंग बाद में आई थी 40 रुपये की, तो ऑलमोस्ट टोटल मिला के 7 किलो से हल्की सी कम हो गई। तो अब चेक करते हैं कि 7 kg में कितनी चलती है गाड़ी। और जो गाड़ी की स्पीड है वो नॉर्मली मैं क्रूज़ करूँगा 90 से लेकर 110 के बीच में, इससे कम मतलब जब ट्रैफिक आएगा तो 80 तक हो सकती है, बट बेसिकली 90 और 110 के बीच में चलेगी गाड़ी। लो गाइस, आई एम शॉक, पहला जो बार है वो तो ड्रॉप ही हो गया जस्ट 7.6 किलोमीटर पे। जब हम हाईवे से हाईवे चलाते थे पहला बार, तो एक बार 30-35 चलाता था, यहाँ पर तो पहला बार ड्रॉप हो गया 7.5 किलोमीटर ओनली। सो हमारा जो सेकंड बार है वो 42.6 किलोमीटर पे डाउन हो गया है, एंड सो गाइस 78.3 पे इसका थर्ड CNG बार था वो भी चला गया, अब सिर्फ 2 बार बचे हैं, एंड आप चेक कर सकते हो प्रॉपर वे में। सो जो लास्ट बार था हमारा बस वो रह गया है, एंड एक और बार गिर गया है, एंड 124.4 किलोमीटर पे वो लास्ट बार गिरा है, एंड अब जो ई है ये बेसिकली लास्ट बार है, अब इसके बाद रिजर्व स्टार्ट हो जाएगा हमारा। सो 150 किलोमीटर पे हमारी गाड़ी की में CNG खत्म हो चुकी है, एंड CNG जो है रिजर्व पे लगी है, अब ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 25-30 किलोमीटर चलनी चाहिए ये,
तो 180 अप्रॉक्स आएगी। लेट्स सी इस में अब कितना चलती है। सो फाइनली गाइस हमारी सीएनजी टोटली ख़त्म हो चुकी है। जो रिज़र्व लगा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया है। रिज़र्व ख़त्म हुआ है 194.9, ऑलमोस्ट 195 मान के चल लेता हूँ मैं। 195 किलोमीटर पे मेरा रिज़र्व भी ख़त्म हो गया है। एंड अब अगर यहाँ पे मैं सीएनजी पे स्विच कर रहा हूँ तो सीएनजी पे स्विच भी नहीं हो रहा है। एंड वेलकम टू दिल्ली, दिल्ली पहुँच गए हैं। सो हमारी ऑलमोस्ट 7.5 किलो में 195 किलोमीटर गाड़ी चली, और वो अभी जो हमने स्पीड इसकी मेंटेन करके चली थी, मतलब 90-100-110 के बीच में गाड़ी चली है। विद वही एसी प्रॉपर ऑन था, आप चेक कर सकते हो, कोई एसी बंद नहीं किया हुआ हमने। तो इसकी एक बार कैलकुलेशन करते हैं कितनी क्या बैठी है। जो हमने टोटल सीएनजी डलवाई थी वो डलवाई थी हमने 580 रुपीज़ की। एंड 580 रुपीज़ को अगर ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ की सीएनजी थी वहाँ पे, तो 85 से डिवाइड करते तो 6.8 केजी समथिंग सीएनजी आई थी। एंड 6.8 केजी में एसी ऑन के साथ गाड़ी चली है हमारी ऑलमोस्ट 195 किलोमीटर। तो 195 को डिवाइड कर दे 6.8 से, तो आपका अमाउंट आता है 28.6 समथिंग। तो मतलब 28 से 29 किलोमीटर की इसने एवरेज दी है सीएनजी के ऊपर, और अच्छी खासी स्पीड में हाईवे पे एसी ऑन के साथ। दैट्स गुड यार, ग्रेट। थर्ड सर्विस होने के बाद भी अभी अच्छी खासी दे रही है, और मैं बहुत भगाता हुआ लेके आया हूँ इसको। ऐसा नहीं मैंने प्यार से चलाई है, आपने वीडियो में देखा होगा बीच में कि 100-110 ऐसे चल रही है आराम से भगती भी है। एंड आई एम हैप्पी विद द एवरेज। 17-18 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद वही सेम एवरेज दे रही है अभी भी ये। सो दैट्स प्रीटी मच गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको गाड़ी की एवरेज पता चल गई होगी कि थर्ड सर्विस के बाद इसने कितनी एवरेज दी। मैंने सारे टाइम्स पीछे वीडियो में डाल दिए, आप देख सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल ड्राइव डी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जो कि स्पेशली बनाने वाला हूँ मैं दिल्ली शहर के अंदर इसका एवरेज टेस्ट, क्योंकि आप लोग सारे बोल रहे थे कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे दिल्ली शहर के अंदर इतनी एवरेज तो आती नहीं, उतनी आपकी कैसे देती है, और वीडियो में कोई कटवट नहीं होता। एक्चुअल जो गाड़ी है मुझे कोई से ज़्यादा प्यार नहीं है, ठीक है, जो है जैसी है अच्छी है, मेरी प्यार है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिल्ली शहर के अंदर इसने कितनी एवरेज दी, ये वीडियो होने वाली है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय। अगर आपको कोई सभी डाउट है, कोई सभी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टाटा पंच सीएनजी, मैंने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर चला लिया, तो आई नो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग नाउ कि किस कैसे क्या है। आपको कोई सभी क्वेश्चन है जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं आपकी स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ उस चीज़ के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या आपके सोल्यूशन, क्या आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। थैंक यू सो मच।